इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से अवाम वोटिंग तो कर रही है, पर जितना जोश और खरोश अवाम में नज़र आना था नहीं नज़र आ रहा। कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखी जाए तो बहुत ही कम फीसद वोटिंग होता नज़र आ रहा है। अब कम फीसद की वोटिंग किस पार्टी के हक में होगी यह कहना मुश्किल होगा, पर तकरीबन पार्टियों को लेकर अवाम में बेरुखी नज़र आ रही है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे रुकन पार्लियामेंट यानी एमपी के लिए चुनावी फीस सद हमेशा काफ़ी कम होता है, पर इस ज़मीनी इंतखाबात में काफ़ी गिरावट महसूस की जा रही है। कई जिम्मेदारों ने आवाम से वोटिंग की अपील भी की है। शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी। गोकाक जैसे इलाके में जहां से खासकर सतीश जारकीहोली साहब उन्हीं उसी गांव से है, तो गोकाक में भी आवाम में किसी तरह का जज्बा वोटिंग को लेकर पाया नहीं गया। इसी तरह से बेलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर भी लंबी कतारों की तस्वीर नज़र नहीं आई। शाम 4 बजे तक की वोटिंग महज 35% से कुछ ज़्यादा होने की बात कही जा रही है। बेलगाम नॉर्थ में 33%, साउथ में 34%, बेलगाम ग्रामीण में तकरीबन फीसद करीब देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर यानी कि तकरीबन 54% के करीब, यानी कि बेलगाम ग्रामीण के लिए अब काफ़ी अच्छी वोटिंग होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इत्मीनान बख्श वोटिंग कह नहीं सकते। ग्रामीण यानी देहाती इलाकों में शहर से भी काफ़ी अच्छी वोटिंग देखी जा रही है। कुल वोटिंग 40% से भी कम हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवारों में भी फिक्र नज़र आ रही है कि आखिर इस तरह से कम वोटिंग होगी तो कौन जीतेगा। खैर, रमज़ान का 4वां रोज़ा आज है और उसकी वजह से भी अकलियती इलाकों में वोटिंग की फ़ीसद कम नज़र आ रही है, पर रमज़ान की वजह बताना भी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि दिगर अक्सरियत इलाकों में भी बूथ खाली पड़े हैं। और ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि कई जगह पे जाकर हमने जायज़ा लेने की कोशिश की कि बूथ जो है पूरी तरह से खाली पड़े, कहीं पर भी आपको लंबी कतारें दिखाई नहीं दे रही। खैर, आइए इस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 17 तारीख है और आज चुनाव जारी हैं बेलगाम के, बेलगाम लोकसभा इंतखाबात के लिए आज चुनाव जारी है। लिहाजा जिस कदर वोटिंग होनी थी सर, उस कदर होती नज़र नहीं आ रही। तकरीबन अगर पूरा जायज़ा लिया जाए तो 30% के करीब करीब है। तो ये क्या महज रमज़ान की वजह से या लोग एमपी इलेक्शन को लेकर मुझे लगता है धूप के कम हो रही है करके, मगर हकीकत में ग्रेजुअली जो सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक वक्त दिया गया है अपने आप से पिकअप हो जाए। और कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ लोग नहीं निकलते, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ लोग ज़्यादा निकलते हैं, वो एवरेज आउट करेंगे तो अच्छा होगा ऐसे लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मगर फिर भी लोगों से गुजारिश है कि आपको ये रोज़ रोज़ हक नहीं मिलता आपका नुमाइंदा चुनने के लिए, जो भी आपका नुमाइंदा है। हाँ, क्योंकि कैंपेनिंग बैन है तो मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और आपका हक भी है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है। वक्त पे जाके वोट डालना, अपने नुमाइंदे को चुनना, हाँ यही जमहूरियत है। दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। ये थोड़ा भी उसमें सुस्ती नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं, जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक मखसूस एरिया के लिए नहीं, कुल मिलाकर ही वोटिंग कम हो रही है, तो क्या वजह? कुल मिला के वोटिंग हो सकता है, गर्मी है और फिर लोग अपने वक्त पे बाहर निकलते हैं। एक एक तो एक साथ में आपको देख के आते थे, एक साथ में 1000 लोग आते थे, हाँ, मगर ये सिस्टमेटिकली आ रहे हैं। शाम में देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा ही रहेगा, आई थिंक ओवरऑल ठीक रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ साहब। वोटिंग कम होने की वजह क्या हो सकती है? काफ़ी धूप है, गर्मी है। हमने देखा कि सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग हुई, 11 के बाद में कम हुई। अब इंशाल्लाह 4 बजे के बाद में और पिकअप हो जाएगी, थोड़ा ठंडा मौसम होगा तो। और सभी से यही गुजारिश है कि एक हमारा जमहूरी हक है और ये हक हम ज़रूर इस्तेमाल करें। ये रोज़ रोज़ तो आता नहीं है, तो आप सब मिल के आके
ضرور ووٹ کریں، یہ ہماری گزارش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب آصف راجو سیٹھ صاحب اور سابق ایم ایل اے جناب فیروز سیٹھ صاحب، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بار بار موقع نہیں آتا، پانچ سال میں ایک بار آتا ہے، لہٰذا تپتی دھوپ ہے، مشکلات تو ہیں، لیکن آپ کو یہ جمہوری حق ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے۔ محض کچھ اقلیتی علاقوں میں ہی صرف کم ووٹنگ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ کل ملا کر بیلگام ضلع کا اگر دیکھا جائے، خاص کر شہری شہر کے علاقوں میں کافی کم ووٹنگ ہوئی ہے، دیہات میں اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا آنے والے وقت میں کون امیدوار اس کا جو ہے کامیابی کا سہرا پہنتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتا دے گا۔ پورے شہر میں چناؤ کا ماحول ہے، سرگرم ماحول ہے، لہٰذا عوام تپتی دھوپ میں بھی گھروں سے باہر نکل کر ووٹنگ تو کر رہی ہے۔ ہم اجول نگر، آزاد نگر، گاندھی نگر جو اقلیتی علاقہ ہے، اس میں جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دھیمی ہے لیکن مستقل ہے، لوگ ووٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کارپوریٹر عظیم پٹوگار صاحب، بتائیے گاندھی نگر میں کس طرح سے؟ گاندھی نگر میں جو ہے صبح نماز کے بعد میں، 7 بجے کے بعد میں ووٹنگ لوگ آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، مگر ابھی تک جو ہے پوری ووٹنگ ہو نہیں پائی ہے۔ تو میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں جو ہے 7 بجے تک کا ٹائمنگ ہے اور رننگ چل رہی ہے ابھی ووٹنگ، اور برائے مہربانی سبھی لوگ اپنے اپنے ووٹ اپنے فیملی کے ساتھ میں آ کر کے، آج کے ایک دن اگر کوئی تکلیف ہوتی ہوگی بھی تو آ کر کے ووٹ کریں۔ ایواگا بیڑگیند این 7 گھنٹے دندا ووٹ ہاکود اسٹارٹ آگیدے، نانو ونتی مارتنی ایلار کڑے بار سلو آگی ووٹنگ آگتا ایدے، نانو ایلار اکا تنگیارو ہاگو نن تمبر ہتر نانو کیلکوہودشٹے، ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ವೋಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ಅವರ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೂ ವೋಟನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಕಳಿದಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 2-2 ಗಂಟೆಗೆ 50-50% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ 20-30% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ನಾವು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಮತ್ತು ತಿಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನ ವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ, ನೀವು ನಮಾಜ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಇದಾಗಿ ರೋಜೆ ಐತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಐತಿ, 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ರೋಜಾ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಜೀವನದಾಗ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ। ಅಮನ್ ನಗರ ಮೇ ಭಿ ಚುನಾವ್ ಜಾರಿ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಪ್ನಾ ಹಕ್ ನಿಭಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೇ ಹುಯೇ ಹೈ, ಲಿಹಾಜಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಅಮನ್ ನಗರ ಜಮಾತ್ ಕೆ ಜಿಮ್ಮೇದಾರ್ ಔರ್ ಯೆ ಯಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೆ ಸದರ್ ಜನಾಬ್ ಇಜಾಜ್ ಹಕೀಮ್ ಸಾಹಬ್ ಭಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮಾರೆ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್। रमज़ान का महीना होने की वजह से थोड़ा वोटिंग स्लो चल रही है, मैं हमारे आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द 6 बजे के अंदर अपना वोट डालकर अपनी फैमिली के साथ चले जाएं, क्योंकि 6 के बाद में रोज़ा खुलने के इसमें मसरूफात में लग जाते हैं। मेहरबानी करके जल्द से जल्द अपना वोट डालकर चले जाएँ। आज हमारे बाई इलेक्शन जो बेलगाम में हो रहे हैं, सुरेश अंगड़ी साहब का इंतकाल होने के बाद एमपी के लिए दो नुमाइंदे हैं, एक बीजेपी के हमारे सुरेश अंगड़ी साहब के अहिल्या है, दूसरे हमारे सतीश जारकिहोली साहब जो कि यमकरमड्डी क्षेत्र के एमएलए हैं, कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर और दिग्गज बेलगाम में जाने माने नाम रखते हैं। आज उनका इलेक्शन हो रहा है, हम सब लोग रमज़ान होते हुए भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब तक का वक्त हो गया है 2:30-2:15 बज रहे हैं, 2:15 बजे तक भी हम 35% कर चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब 60% करें, बाकी अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। उज्जवल नगर का जो 87-88 जो बूथ है यहाँ पर काम चालू है, सुबह 7 बजे से जो है हमारी माँ बहनें जो है वोटिंग के लिए जा रही हैं। अभी जो दरमियान में जो ज़्यादा धूप है और पूरा रमज़ान का महीना है, रोजे रहने के वजह से जो है थोड़ा स्लो हो रहा है, मगर शाम तक वक्त है, इंशाल्लाह जो उज्जवल नगर के जो दोनों बूथ हैं वो इंशाल्लाह हम लोग पूरा कवर करके जो है ना वोटिंग 100% कराने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पंजी बाबा शिवाजी नगर का बूथ है, 4 बूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 60% वोटिंग हुई है,
अभी चालू है, इंशाल्लाह शाम तक 70-80% 85% तक होंगी। काम चला है और बच्चे जवान मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, गांधीनगर में यहाँ पे वोटिंग जो है हो रही है, थोड़ी स्लो है, अच्छी वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। इंशाल्लाह हो रही है, अंडर कंट्रोल है।